वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम देवांशी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिगिनर्स मेकअप किट अंडर ₹300, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि ₹300 के अंदर अंदर आपके सामान आप मेकअप के लिए कैसे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि बिगिनर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब वो अपनी नई नई मेकअप किट बना रहे होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट वो कौन सी कंपनी का ले, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा वर्क करेगा उनके लिए, स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में ये सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो मैं बिल्कुल दूर करने वाली हूँ। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताऊंगी भी और ऑप्शंस भी दूंगी साथ में कि आप अगर आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो आप उसकी जगह पे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहूंगी। और मैं जो भी सामान आपको बता रही हूँ वो सारा का सारा अफोर्डेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा वर्क नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मैंने सामान लिया है और सारे के सारे ब्रांडेड सामान है, कोई भी लोकल सामान मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के साथ वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके ऑल कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपके पास आए और आप देख ले। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कितना सारा सामान है, तो यही सारा का सारा सामान मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मेकअप में जरूरी होता है स्किन केयर करना। स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्किन केयर अच्छे से करते हैं तो आपकी ओवरऑल जो स्किन है वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, जिससे कि आपको मेकअप भी कम करना पड़ता है और आपकी स्किन ग्लोइंग भी ज्यादा लगती है। तो सबसे पहले जरूरी है मेकअप में कि आप अच्छे से फेस वॉश करें। आप कोई भी ले, मैं आपको दिखा रही हूँ लैक्मे का कीवी फेस वॉश, बहुत ज्यादा अच्छा फेस वॉश है और इस टाइम का मेरा ये फेवरेट फेस वॉश है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे फेस वॉश का रिव्यू कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है और एक लेमन फ्लेवर आता है, उन दोनों का रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी ये फेस वॉश भी मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आया, समर के टाइम में आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है टोनर का यूज करना, आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका पीएच बैलेंस रहेगा। मैं यहाँ पे सिंपली आपको गुलाब जल दिखा रही हूँ, इसको आप एज अ टोनर यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। आपको अगर आप ड्राई स्किन के हो या नॉर्मल स्किन के, तो सीरम यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहती है और बहुत ज्यादा शाइनी होती है और उससे जो आपकी मेकअप एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो सीरम को यूज करना आप बिल्कुल स्किप मत करें। और अभी जो मेरा करंट फेवरेट सीरम है आप देख सकते हैं, रोज हिप सीरम है ये, गुड वाइब्स का बहुत ज्यादा अच्छा सीरम है गाइज ये। और इसकी जो क्वांटिटी मिल रही है आपको 10 ml की मिल रही है। और जो भी प्राइजेस होंगे ना जिन भी प्रोडक्ट के, मैं आपको सारे के सारे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हर एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, तो मैं कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अभी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है तो सबके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा अच्छा, स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटन अप हो जाएगी, जो अनइवन आपकी स्किन टोन है वो रिमूव हो जाएगी। और इन्होंने लिखा है कि इससे आपको बहुत ज्यादा ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन मिलेगा। इसको मैं 1 week से यूज कर रही हूँ, मुझे सिर्फ सीरम के बाद आपको लगाना चाहिए मॉइस्चराइजर। मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर अवेलेबल है स्किन टाइप के हिसाब से, बट यहाँ पे मैं आपको अपने कुछ फेवरेट मॉइस्चराइजर दिखा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है बायोटिक का ये मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर, बहुत ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो इसको आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है ये। और विंटर के लिए तो ये काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आप इसका रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक कर दूंगी आई बटन में, मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, आप देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। मुझे काफी अच्छा ये मॉइस्चराइजर लगता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा क्रीमी है, तो आपको जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, दिखा रही हूँ वो है ये पॉन्ड्स का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये है विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन, जो कि ड्राई स्किन पीपल को बहुत ज्यादा सूट करेगा, नॉर्मल स्किन भी इसको लगा सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा क्रीमी है, और ये नहीं है कि क्रीमी है तो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगा, 2 मिनट में ये आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है और एक नेचुरल सी ग्लो छोड़ देता है आपके फेस में, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी मिल रही है सिर्फ ₹300 में ये, और इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी है, मैं आपको एक मिनट दिखा भी दे सकते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है ये, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो अगर जिनको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो उनको हो सकता है थोड़ी सी ये स्ट्रांग लगे, बट नाइस है इसकी फ्रेग्रेंस, मुझे काफी पसंद है इसकी फ्रेग्रेंस।
तो अब बात कर लेते हैं ऑयली स्किन पीपल के लिए कि ऑयली स्किन पीपल कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो वो यूज कर सकते हैं पॉन्ड्स का ये न्यू आया है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जिसमें कि हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है। इसका जो टेक्सचर है, आई एम इन लव विद दिस टेक्सचर, बहुत ज्यादा अच्छा टेक्सचर है इसका गाइज, और इतना ज्यादा यू नो वॉटरी है ना, जैसे आप लगाते हैं स्किन में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। मैं इसका रिव्यू भी अपने चैनल पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, तो आप वहां से बहुत इजीली इसको देख सकते हैं। मेरा तो ये फेवरेट प्रोडक्ट है। और अगर आपको कुछ भी यूज नहीं करना मॉइस्चराइजर में, तो आप सिंपली एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। खादी का एलोवेरा जेल है और ये आप देख, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल है, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। अगर आपको और कुछ यूज नहीं करना तो आप एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, तो डू गिव इट अ ट्राई इसको भी। उसके बाद बारी मॉइस्चराइजर के बाद बारी आती है प्राइमर की, तो प्राइमर के लिए भी आप एलोवेरा जेल को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं अगर आप बजट में थोड़े से टाइट है, और अगर टीनेजर अपनी मेकअप किट बना रहे हैं तो वो एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, उनको और ज्यादा कोई जरूरत नहीं है प्राइमर में इन्वेस्ट करने की अलग से। और उसके बाद अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे से प्राइमर में, जो सस्ता भी हो और जो अच्छा वर्क भी करे, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ब्लू हेवन का ये प्राइमर। ये सिलिकन बेस का प्राइमर है और गाइज इतना ज्यादा स्मूथ कर देते हैं ना आपके फेस को, दैट आई कांट इवन टेल। मैं इसका आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ, देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है आपके फेस को, और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैट कर देता है, और बहुत ज्यादा अच्छा है ये। ऑयली स्किन पीपल भी इसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, आपके पोर्स को भी क्लॉक नहीं करेगा। और प्राइमर यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप टिका रहे और वो अच्छा लगे, केकी ना लगे, तो उसके लिए आपको प्राइमर का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्राइमर का भी मैंने फुल रिव्यू अपने चैनल पे कर रखा है अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में। और अगर आपको प्राइमर चाहिए तो आप इसका रिव्यू के बाद बारी आती है फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के लिए मैं 300 रुपीज में आपको एक ही फाउंडेशन रिकमेंड, जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट फाउंडेशन है, जो कि है मेबलिन का ये फिट मी फाउंडेशन, वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है। इसका जो बड़ा पैक आता है वो आई गेस 500 कुछ रुपीस का आता है, बट अगर आपको ट्राई करना है और आप अभी सीख रहे हैं मेकअप, तो आप इसका जस्ट ये छोटू पैक ले सकते हैं, जस्ट 300 रुपीज का आता है, 299 रुपीज का आता है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। और जो यहाँ पे मेरा शेड है वो है 230 नेचुरल बफ, और ये मैटलेस है, पोरलेस है, और नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है, बहुत ज्यादा अच्छा ब्रांड है गाइज। आपको पता ही है मेबलिन के प्रोडक्ट कितने ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं, तो इसको आप जरूर ट्राई करें। आपको इसमें बहुत अच्छी शेड रेंज मिल जाएगी, जिसमें से आपको आपके लिए स्किन टोन के लिए बहुत इजिली कलर मिल जाएगा। तो इस फाउंडेशन के बाद बारी आती है कंसीलर की, 300 रुपीज में बहुत ज्यादा मुश्किल है एक अच्छा कंसीलर ढूंढना। जो वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर बहुत ज्यादा अच्छा है, मेबलिन का कंसीलर बहुत ज्यादा अच्छा है, बट वो 500 रुपीज तक के ही आते हैं। तो 300 रुपीज में मुझे एक कंसीलर मिला और जो कि मेरा करंट फेवरेट है, और मैं उसको आई गेस 1.5 साल हो गया मैं उसको यूज कर रही हूँ, मेरा अभी तक वही फेवरेट है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अफोर्डेबल है और वो इतना ज्यादा अच्छा वर्क करता है। जो कि आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर, बहुत ज्यादा अच्छा कंसीलर है गाइज। और जो यहाँ पे मेरा शेड है ये 03, इसको मैं थोड़ा सा हाइलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ, और इसका मैं आपको एक बारी स्वाद दिखा सकती हूँ, बहुत ज्यादा क्रीमी है, बिल्कुल आपकी आई पे क्रीज नहीं करता, इतने अच्छे से सेटल हो जाता है। और इसका फुल रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्रीमी कंसीलर है गाइस, अगर आपने ये अब तक ट्राई नहीं किया ना, तो इसको मैं इसको आपको बोलूंगी कि इसको एक बार ट्राई करो, इसके बाद आपको और कंसीलर लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई गेस 200 रुपीज समथिंग का आता है, मैं जो भी प्राइसेस होंगे वो आपको लिंक कर दूंगी। बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है गाइस, और इसकी क्वांटिटी भी काफी अच्छी मिल रही है आपको, आई गेस 6 ग्राम की इसकी क्वांटिटी आपको मिल रही है। बहुत ज्यादा अच्छा कंसीलर है, इतना क्रीमी, इतना बटरी सॉफ्ट है, जो हाई एंड ब्रांड के कंसीलर है ना उसको एक टक्कर दे सकता है ये कंसीलर। और स्विस ब्यूटी ब्रांड मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि इतने ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं उसके प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं, तो इसलिए इसको आप जरूर ट्राई करें। अगर इसको आपने अब तक ट्राई नहीं किया ना, तो मेरे कहने से, मेरी रिकमेंडेशन से इसको एक बार तो जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कंसीलर के बाद बारी आती है सेटिंग पाउडर की, सेटिंग पाउडर के लिए आप यूज कर सकते हैं लैक्मे का ये रोज पाउडर, बहुत ज्यादा अच्छा पाउडर, और इसमें सनस्क्रीन के साथ में पाउडर है ये, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, मैं आपको एक बार ही दिखाती हूँ, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं ऐसा लगता है ना रियल रोजेज है। बट जो मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है वो ये, जैसे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रोडक्ट इसका वेस्ट जाता है, अभी मैं इसको बंद करूंगी तो आप देखो इतना ज्यादा इसका प्रोडक्ट ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, इसमें मुझे बस यही प्रॉब्लम लगती है। बाकी ये सेट करने के लिए आपके अंडर आईज को, ये आपके पूरे के पूरे फेस को बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है, और इसको और ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है, आई गेस 150 समथिंग रुपीज का ये आता है, और बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है।
और अगर आपको सेटिंग पाउडर नहीं यूज करना है, अगर आपको उतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, तो आप कॉम्पैक्ट को यूज कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट के लिए मैं आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ, मेबलिन का कॉम्पैक्ट काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है, स्लीक सा। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है ये। आपको हल्की सी शीयर सी कवरेज भी दे देता है ये, और सेट करने के लिए काफी अच्छा है ये। इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको और कॉम्पैक्ट में ऑप्शन चाहिए तो आप लैक्मे का ट्राई कर सकते हैं, ये भी आएगा 200 रुपीज समथिंग का आता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी अच्छी लगती है कि इतना आपको SPF इसके अंदर मिल जाता है, SPF 40 आपको मिल जाता है, PA++ मिल जाता है आपको, अल्ट्रा मैट है। और अगर आपको होता है ना कि मेकअप के बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा SPF मिल रहा है, तो आपका ये सनस्क्रीन का भी काफी अच्छा काम करेगा, तो इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट के बाद बात कर लेते हैं ब्लश की, कॉन्टोर की और हाइलाइटर की। तो उसके लिए मैं आपको ये ट्रायो पैलेट दिखा रही हूँ, ये फेसेस कैनेडा का पैलेट है। वैसे जो इसकी एक्चुअल जो MRP है वो है 900 रुपीज, बट ये हमेशा आपको डिस्काउंट पे मिल जाता है, 800 या 600 समथिंग का डिस्काउंट में मिल जाता है। अभी भी nykaa.com पे ये 30% ऑफ में मिल रहा है, तो आई गेस ये 600 समथिंग कुछ का मिल रहा है। मैंने इसको आपको क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें आपको ब्लश मिल रहा है, कॉन्टोर मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है, जिसको अगर आप अलग अलग परचेज करोगे तो 300 रुपीज का ही ईच आपको पड़ेगा, तो ये 900 रुपीज का पैलेट पड़ जाएगा। और ट्रायो पैलेट बहुत ज्यादा ईजी रहते हैं यूज करने के लिए भी, और पैकेजिंग उनकी इतनी ज्यादा अच्छी होती है, तो इसको आप एज अ ट्रेवल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए ना आपके 3 प्रोडक्ट एक साथ में, और जस्ट ये 300 रुपीज के एक एक प्रोडक्ट आपको पड़ा, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा अच्छा पैलेट है ये, और क्वांटिटी भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है। आई गेस जो मेरा यहाँ पे शेड है, और जो यहाँ पे मेरा शेड है वो है फ्रेश, तो काफी ज्यादा अच्छा शेड है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। और जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना इस पूरे पैलेट की, वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है, इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मेरे पास कुछ आई शेडो पैलेट है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी का पैलेट है, आई गेस ये जो आप देख सकते हैं स्विस ब्यूटी का पैलेट है, काफी ज्यादा अच्छा पैलेट है। और अगर मैं इसके आपको स्वॉचेस भी दिखाऊं, जैसे कि ये येलो शेड हो गया, रेड हो गया, और अगर इसका मैं आपको ग्रीन शेड दिखाऊं, तो काफी ज्यादा अच्छे पिगमेंटेड है ये पैलेट। और इसका जो शेड है वो है 07, और ये आई गेस 200 समथिंग रुपीस के आते हैं। जो भी प्राइस होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और इसके अंदर आई गेस इसके अंदर 8 to 9 पैलेट आते हैं। और ये जो मेरे पास दूसरा है इसी का, इसका जो शेड है वो है 02, और ये काफी ज्यादा मुझे पसंद है पैलेट। इसके शेड में मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी कैसा वर्क करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छे शेड रेंज है इसके। थोड़े से पाउडरी है ये पैलेट, बट पाउडरी पैलेट का क्या बेनिफिट होता है कि वो बहुत ज्यादा इजीली आपके आई पे ब्लेंड हो जाते हैं और काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप दोनों इन पैलेट को ट्राई कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसी आपको कलर रेंज चाहिए आप उस हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। तो मेरे पास आईलाइनर की, तो आईलाइनर के लिए आप यूज कर सकते हैं म्यूजिक फ्लावर का है आईलाइनर। इसके 2 सेट आते हैं, जिसमें ब्लू भी आपको मिल जाता है आईलाइनर, ब्राउन भी मिल जाता है, और ब्लैक भी मिल जाता है। अभी मेरे पास पता नहीं, मेरे पास ब्लू भी था और ब्राउन भी था, बट अभी मुझे वो मिल नहीं रहा, तो मैं आपको ये ब्लैक दिखा रही हूँ। और इसके साथ आपको ब्रशेस भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप आईलाइनर बहुत ज्यादा इजिली लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आई गेस ये 200 रुपीज में 2 आपको काजल के मिल जाते हैं ऑप्शन में, अगर आपको ब्लू लेना है इसके साथ या आपको ब्राउन लेना है, तो आप उसके लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके और काजल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं फेसेस कैनेडा का काजल, ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा काजल है, ये बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है ये काजल, आपको रगड़ना नहीं पड़ता लगाने के लिए, काफी ज्यादा अच्छा है। इसको आप एज आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप व्हाइट काजल में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए मेरे पास आपके पास ये ऑप्शन है, वेट एंड वाइल्ड का व्हाइट काजल है। मैं आपको इसका स्वॉच दिखाऊं, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बटरी है ये, और इतनी इजीली आपकी आईज में लगता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपको बड़ी बड़ी आंखों का शौक है कि आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है ये। और आई गेस ये 120 समथिंग रुपीज का आता है, और कितना ज्यादा ह्यूज पैकेजिंग है इसकी, तो आपकी खत्म नहीं होती, 2 से 3 साल तक आराम से आपकी चल जाएगी। और मस्कारा के लिए आप ट्राई कर सकते हैं मेबलिन का ये मस्कारा, ये थोड़ी सी आई नो इसकी रेंज थोड़ी सी हाई है, बट मुझे 300 रुपीज में इससे ज्यादा अच्छा मस्कारा और कॉइन लगता है। इसके अंदर एक और वर्जन आता है मस्कारा का, वो वॉशेबल होता है, और उसमें दूसरा वाला भी आता है, बट मेरा फेवरेट ये है, मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। ये इसकी थोड़ी सी रेंज हाई है, तो इसके लिए मुझे माफ करना है, बट ये मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है।
और अगर आपका बजट इतना हाई नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं सेल का भी, थोड़े दिन में सेल आने वाली है, जैसे दिवाली सेल होती है उस टाइम पे काफी ज्यादा नवरात्रि सेल आएगी, तो उस पे 300 रुपीज का भी मिल जाता है। मैंने भी जस्ट इसको 300 रुपीज का लिया था, तो आप सेल पे ट्राई कर सकते हैं, इसको काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं इसको ही आपको रिकमेंड करूंगी, ये नहीं कि आपको कोई और सस्ता सा दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे ही पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। लिक्विड हाइलाइटर में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रही हूँ, स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है, वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड हाइलाइटर है गाइज। मैं अगर आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर भी दिखाऊं तो कैन यू गाइस सी द ग्लो, आपके सामने है और बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इसकी मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो की और जो यहाँ पे मेरा शेड है वो है 01 गोल्डन पिंक, बहुत ज्यादा अच्छा हाइलाइटर है, आई एम इन लव विद दिस हाइलाइटर, इतना ज्यादा अफोर्डेबल है और आप खुद देख सकते हैं आप शाइन आपके सामने है, बहुत ज्यादा अच्छी शाइन है इसकी, तो इसके लिए आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लिप्स की, तो लिप्स के लिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ लिप बाम। लिप बाम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं ये वादी हर्बल का लिप बाम, और जो यहाँ पे मेरा फ्लेवर है वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और आई गेस ये जस्ट 40 रुपीज का आता है, बहुत ज्यादा अल्ट्रा अफोर्डेबल है। और अगर आपको और कोई लिप बाम ट्राई करना है तो आप मेबलिन का ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाटरमेलन वेरियंट है, काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है ये। सो सबसे पहले मैं आपको जो लिपस्टिक दिखा रही हूँ वो लिक्विड लिपस्टिक दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट मैट लिपस्टिक लिप क्रीम है ये, 6 ml की इसकी क्वांटिटी है, और जो इसका शेड है वो है N16 मॉव पिंक, और मैं इसको आपको शेड दिखाती हूँ, मुझे ये शेड पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा शेड है, मुझे शेड रेंट बहुत ज्यादा पसंद है, और ये डार्क स्किन टोन पे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्यारा कलर है ये। और उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक में मेरे पास ये फिर से स्विस ब्यूटी की है, ये है मेरे पास मैट लिप अल्ट्रा स्मूथ अल्ट्रा लिक्विड लिपस्टिक, और ये भी स्विस ब्यूटी की है, और जो इसमें शेड है वो है S23N आयोनिक न्यूड, और आपको मैं दिखाती हूँ, पिंकिश न्यूड आप कह सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास जो लास्ट लिक्विड लिपस्टिक है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर है, और बेसिकली मेरी मम्मी ज्यादा लगाती है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप रेड लवर है तो आपको ये शेड बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और ये बाय द वे ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, और जो इसका शेड है वो है 01, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा रेड कलर है, और बिल्कुल आप कह सकते हैं टमाटरी रेड कलर होता है ना वैसा इसका कलर है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब बात कर लेते हैं बुलेट लिपस्टिक की, तो बुलेट लिपस्टिक में मेरे पास आई है फर्स्ट NYB की लिपस्टिक, काफी ज्यादा न्यूड है, अगर आपको ऐसा लिपस्टिक चाहिए ना जो आपके लिप्स पे मतलब लगाई हो तो उतनी ज्यादा फील ना हो, बहुत ज्यादा लाइट हो और इतना ज्यादा कलर भी ना हो, मतलब आप समझ सकते हैं टीनेजर इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा लाइट कलर है ये, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल लाइट कलर पसंद है तो। मेरे फेस को उतना ये सूट नहीं करती, वॉश आउट कर देती है, बट मैं दिखा रही हूँ अगर आपको लगानी हो तो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ फेसेस कैनेडा की, का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक कर दूंगी, देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा कलर है ये। और उसके बाद मेरे पास फेसेस कैनेडा की दोबारा है ये बफ न्यूड, काफी ज्यादा प्यारा शेड है ये। और उसके बाद जो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है वो आप देख सकते हैं मेबलिन की लिपस्टिक है, और जो इसका शेड है वो है 657 न्यूड नाउंस, वन ऑफ द बेस्ट शेड जो मुझे पसंद आता है मेबलिन का, कहाँ करूँ इसका स्वॉच, यहाँ पे कर देते हैं, बिल्कुल चॉकलेटी शेड है इसका। अभी मैं आपको अपने लिप्स पे भी लगा के दिखाती हूँ, आप जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा कलर है ये। और लिपस्टिक के बाद जो लास्ट चीज रह जाती है वो है मेकअप सेटिंग स्प्रे, तो और मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए मैं आपको ब्लू हेवन की रिकमेंड करती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी है ये और अल्ट्रा अफोर्डेबल है, आई गेस ये 300 रुपीज की आती है, और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी मिलती है आपको, बहुत ज्यादा आपकी अच्छे टाइम तक चल जाएगी, और मेकअप सेटिंग स्प्रे आपको रोज यूज करने की जरूरत नहीं है, जब आप थोड़ा सा हैवी मेकअप करें तो ही इसको लगाएं, वरना थोड़े से मेकअप के लिए तो इसकी इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी वर्क करती है, बट इसको आपको स्प्रे थोड़ा सा ही करना होता है, मतलब 1 से 2 स्प्रे करनी होती है, अगर आप ज्यादा स्प्रे कर लेंगे तो थोड़ा सा ग्रीसी मुझे फील होता है, लगने लगती है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि इसको आप 1 से 2 इसकी स्प्रे करें, ज्यादा स्प्रे ना करें इसको, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करेगी और मेकअप को बिल्कुल इंटैक्ट रखती है कम से कम 5 से 6 घंटे तक। तो उसके बाद बात कर लेते हैं मेकअप की, तो हमने बात कर ली कि हमें मेकअप को कैसे लगाना है, मैंने आपको सारी चीज बता दी, तो मेकअप को उतारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेकअप को उतारने के लिए मैं आपको सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन रिकमेंड करूंगी, जो कि है ये मेरिट वीको का कोकोनट ऑयल, और ये
कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, आई गेस ये 200 समथिंग रुपीस का है। ये भी बहुत ज्यादा अल्ट्रा अफोर्डेबल है और आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज क्वांटिटी मिल रही है। अगर आप इसको जस्ट मेकअप उतारने के लिए यूज करते हो तो आपके खत्म नहीं होगा, पता नहीं कितने साल तक ये आपका चल जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है गाइज, आपको कोई जरूरत नहीं है महंगे महंगे ऑयल बेस्ड क्लींजर लेने की, या इतना भी मेकअप है ना सारा का सारा इतनी इजिली रिमूव कर देता है कि दैट आई कांट इवन टेल यू। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, और इसको हर स्किन टाइप के यूज कर सकते हैं, चाहे आप ड्राई स्किन के हो चाहे आप ऑयली स्किन के हो, क्योंकि इसको जस्ट आपको रिमूव करना है मेकअप को और आपको फेस वॉश कर लेना है, तो आप इसको कोई भी स्किन टाइप को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। और हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं इसको, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और मुझे जरूर बताना कि इन सब में से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था और कौन सा आप जरूर बाय करेंगे अपनी मेकअप किट को बनाने के लिए। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है एक एक प्रोडक्ट को चुनने में कि कौन सा बिगनर के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ओके बाय।